दोस्तों, माहेश्वर से मैं आज बनने वाला है सुपर टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाला गर्मियों के लिए एकदम स्पेशल नाश्ता, जिसमें स्पेशल प्याज की चटनी बनाएंगे। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो 10-20 दिन ख़राब नहीं होती, और अगर फ्रीज में रखते हैं तो महीनों ख़राब नहीं होती। और इसके साथ ही ये बहुत ही टेस्टी एकदम सॉफ्ट सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे, जिसे आप ठंडा खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है और गर्म भी अच्छा लगता है। और चटनी भी ऐसी चीज़ है, आप कभी भी बनाइए, कभी भी खाइए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का सुपर टेस्टी और झटपट बनने वाला नाश्ता हम बनाने वाले हैं ब्रेड के साथ। तो उसके लिए मैंने 4 व्हाइट ब्रेड लिया है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं। और उसके बाद एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लें और इस तरीके से ब्रेड को छोटा छोटा सा तोड़ लें। साइज का कोई इशू नहीं है, बस जो आप पीस करें वो थोड़े छोटे छोटे से करें। ब्रेड हमारी टूट के तैयार हो गई है। उसके बाद मैंने लिया है सूजी। आप इसके लिए मोटी सूजी, बारीक सूजी, यानी जैसी भी सूजी आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस सूजी को भी ब्रेड में डाल दिया। और उसके बाद लिया है 1 कप जितना पानी, जितनी आपने सूजी लिया ना बिल्कुल उतना ही पानी लीजिए। चम्मच के साथ हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए, जिससे पानी में दोनों चीज़ें अच्छे से डूब जाएँ। और 2-3 मिनट एक साइड से रखा, और बस 2-3 मिनट हुए जो सूजी थी वो पानी में अच्छे से सोख हो गई है। ब्रेड भी काफ़ी सॉफ्ट सी हो चुकी है। आप इसके लिए ब्रेड, बासी ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि जो लेफ्ट ओवर ब्रेड होती है ना वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद लिया 1/2 कप जितना नॉर्मल दही। दही आपको जो लेना है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। इसके बाद इसको एकदम बढ़िया सा हम पीस के तैयार करेंगे। तो ये देखिए, एकदम बढ़िया सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसके बैटर को आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना है, ये एकदम परफेक्ट है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, जैसे रिबन कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल वैसी है। तो इसे मैंने कर लिया एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। अब हम इसमें डालेंगे 1 बिल्कुल छोटे से साइज का प्याज, जिसे एकदम बारीक काटा है, वो डाल दिया। और साथ ही ली बिल्कुल थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च। और अगर आपको शिमला मिर्च का टेस्ट पसंद नहीं है, या आपको के पास लाल और पीली शिमला मिर्च नहीं है, तो सिर्फ हरी डालिए। और उसके बाद डाली 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। और उसके बाद डाल दिया टेस्ट के हिसाब से नमक। और फ्रेंड्स, ब्रेड में भी नमक होता है, ज़रूर ध्यान रखें। 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें। और आप चाहे तो मिर्चों को स्किप कर दें, क्योंकि इसमें हरी मिर्च का जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत बढ़िया आएगा, तो उसे स्किप ना करें। तो बस अब हमारा बैटर तो बनकर तैयार हो गया है, तो थोड़ी सी देर के लिए साइड से रख देते हैं, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया प्याज की चटनी। तो उसके लिए मैंने ये 5 प्याज ले लिए हैं। वज़न में देखेंगे तो करीब 300 से 350 ग्राम जितने प्याज हैं। इन्हें अच्छे से छील लेंगे, उसके बाद वॉश कर लेंगे। और इस तरीके से आप इसे रफली सा कट कर लें, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक की आपको ज़रूरत है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मोटा मोटा कट करना है। बस एकदम परफेक्ट है कि रफली सा आप इस तरीके से पतला पतला सा कट कर लें। और चटनी बनाने के लिए गैस ऑन करी, और उसके ऊपर रखी मैंने एक भारी पैंदे की कढ़ाई, जो बॉटम वो थोड़ा सा भारी हो तो ज़्यादा अच्छा है। 2 टेबल स्पून उसमें सरसों का तेल डाला, क्योंकि स्मोकी फ्लेवर चटनियों में बढ़िया लगता है। 8-10 कलियाँ लहसुन की डाल दी। आपको इसके लिए लहसुन को कट करने की ज़रूरत नहीं है, साबुत ही बस अच्छे से छील के डाल दीजिए। 30 से 40 सेकेंड मैंने लहसुन की कलियों को अच्छे से भून लिया है। और फ्रेंड्स, कई बार होता है हम प्याज खाते हैं लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप इस जगह लहसुन को स्किप कर सकते हैं। और जो हमने प्याज कट करके रखी थी वो प्याज डाल दी। फ्रेंड्स, अगर आप चटनी को स्टोर करना चाहते हैं तो जो आपको प्याज भूननी है ना, तो उस पर ज़रूर ध्यान रखना है कि आप प्याज को एकदम स्लो गैस पर अच्छे से भूनें, जब तक वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, प्याज हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, तो बस थोड़ा सा और भूनेंगे। और अब प्याज हल्का हल्का सा शिंक होने लगा, यानी कि सिकुड़ने लगा है, और एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। स्पेशल चटनी बनाने हैं तो फ्रेंड्स, स्पेशल मसाला भी बनाएंगे, और ये मसाला आप बहुत जगह काम में ला सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जितना सौंफ और 1 टीस्पून जितना जीरा लिया है। इन्हें हमें जब तक भूनना है, जब तक बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे और एक हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए, लेकिन बस ध्यान रखिए कि मसाले जलने नहीं चाहिए। और जब मसालों में अच्छी खुशबू आने लगे, उस समय आप डाल दीजिए लाल मिर्चें। लाल मिर्चों को थोड़ा सा बाद में डालिए,
वरना इनकी जो गंध होती है ना बहुत तेज़ होती है और छींकें आने लगती हैं। तो बस अच्छे से सब चीज़ों को भून लिया, अब मसालों को भी थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और जैसे ये मसाले ठंडे हो जाएं आप इसे डाल दें एक ग्राइंडर के अंदर, और इसे आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसे हल्का सा दरदरा रखेंगे जिससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों बढ़िया आएगा। तो ये देखिए हमारा मसाला भी दरदरा सा पीस के तैयार हो गया है, और इधर हमने जो प्याज रखा था वो भी ठंडा हो गया है, तो इसे भी डाल देते हैं एक मिक्सी के जार के अंदर। और अब बारी है इसे पीसने की, लेकिन नॉर्मल चटनी की तरह नहीं पीसना है, इसे भी आपको हल्का सा दरदरा सा रखना है, तभी बढ़िया टेस्ट आएगा। देखिए एकदम परफेक्ट तैयार है। तो अब फिर से मैंने गैस ऑन कर दिया और वही कढ़ाई रख दिया है, बॉटम अच्छा सा भारी है। और अब हम इसमें फिर से डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल। अगर फ्रेंड्स आप चटनी को इंस्टेंट बनाकर इंस्टेंट खा रहे हैं तो आप ऑयल की मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करना चाहते हैं तो आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा, जिससे आपकी चटनी अच्छे से प्रिजर्व हो पाएगी। और उसमें डाला 1/2 टीस्पून जितना जीरा, 1/4 टीस्पून जितनी राई, और चटनी में ये जाएगी स्पेशल चीज़, और ये है फ्रेंड्स उड़द की दाल। जो धुली हुई दाल होती है ना उसे बस अच्छे से पोंछ ले, और बिल्कुल थोड़े से मेथी के दाने, सूखी हुई जो मेथी होती है उसके ही दाने हैं। और ये लिए एकदम बारीक कटी हुई 3-4 हरी मिर्चें। एक बढ़िया फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी शिमला मिर्च, और जो मैंने पहले लाल शिमला मिर्च डाली थी ना वो थोड़ी सी बच गई है। और फ्रेंड्स ये थोड़ी सी जो शिमला मिर्च डाली है ना इससे चटनी का अरोमा बहुत बढ़ जाएगा। और साथ ही डाले ये 8-10 करी पत्ते, फ्रेश करी पत्ते हैं, अगर आपके पास सूखा हुआ पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही लिया ये थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी हमें तेल में ही डालना है क्योंकि फ्रेंड्स हम इसे प्रिजर्व करने वाले हैं। और तेल में जब धनिया अच्छे से भुन जाएगा तो ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद मैंने ली कसूरी मेथी 1 टीस्पून जितनी। सब चीज़ों को आप करीब 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भून लें जिससे कच्चापन दूर हो जाए, और जब हम चटनी को स्टोर करें तो वो ख़राब भी ना हो। तो ये देखिए हमारा जो मसाला था एकदम बढ़िया सा भुनकर तैयार हो गया है। अब बारी है इसमें लाल मिर्च डालने की, तो मैंने लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्चें, क्योंकि हमने इसमें मिर्चें ऑलरेडी डाल दी हैं, सूखी हुई लाल मिर्चें डालनी थी, हरी मिर्चें डालनी थी, तो बस बढ़िया कलर के लिए आप डाल दें कसूरी लाल मिर्चें। और उसके बाद वो प्याज जो हमने पीस के तैयार किया था वो डाल दिया। और ये मैंने लिए हैं 1/4 टीस्पून जितनी कलौंजी, इससे बहुत ही बढ़िया आपको टेस्ट मिलेगा। तो बस अब बारी है इसे बढ़िया सा भून लेने की, तो उसके साथ ही अब हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। चटनी को आप करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लें, और 3-4 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे इमली का पानी, जिससे ये जो चटनी है थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी चटनी तो खाने में भी दिक्कत करेगी। और उसके बाद ये मसाला डाल दिया, और बस उसके बाद अब हम चटनी को करीब 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। ओवरऑल हमें चटनी को 5 से 6 मिनट पकाना होगा। और यह आप ये पहचान समझ सकते हैं कि जब हमने इसमें जो ऑयल डाला है वो सेपरेट हो जाए तो चटनी परफेक्ट पककर तैयार है। और अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, यानी कि चटनी तो परफेक्ट तैयार हो गई है। लेकिन इस चटनी को जब आप स्टोर करें, किसी भी कंटेनर में डालें, इसे पूरी तरीके से कूल डाउन ज़रूर कर लें। तो लीजिए चटनी तैयार हुई। तो अब बारी है हमने ये जो बैटर बना के रखा था इसे देखने की। बैटर तो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, इसे अच्छा सा फुलाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। आपको इसमें सोडा या इनो नहीं डालना है, आपको इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। और बिल्कुल हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से आप इसे मिक्स कर दें। और उसके बाद बारी है इससे नाश्ता बनाने की। तो मेरे पास है ये छोटा सा पैन जिसमें आपको ऑयल बस इतना डालना है कि ये अच्छे से ग्रीस हो जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, एकदम कम ऑयल में, पर आप बहुत ही टेस्टी नाश्ता इससे बना सकते हैं। और जैसे ही पैन गर्म हो गया उसके अंदर आप कोई भी चम्मच सेट कर लें, और इस तरीके से एक एक चम्मच आप बैटर डालते जाएं, हल्का सा इस तरीके से हिला दें। और थोड़ा सा डाल दिया हरा धनिया, और करीब 2 से 2.5 मिनट तक एक तरफ से हल्का सा सिका, टर्न कर दीजिए, और 2 मिनट के करीब हम पीछे से सेकेंगे। ओवरऑल इसे सेकने में फ्रेंड्स आपको 3 से 4 मिनट का समय एक नाश्ता सेकने में लग जाएगा। तो ये देखिए दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी ये सिककर तैयार हो चुका है। आउटर लेयर
हल्की सी क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो सेम प्रोसेस से और बना लेते हैं। पैन को ग्रीस किया, चम्मच भर के बैटर डाल दिया, हल्का सा हिला दिया जिससे बैटर अच्छे से सेट हो गया। थोड़ा सा गया हरा धनिया और जिसे पीछे से हल्का सा सिका, टर्न कर दिया और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिकने दिया। और इसे जब आप सेके ना तो बस सेकते हुए ध्यान रखें कि फ्लेम को रखें मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना सेके वरना काला काला सा हो जाएगा। तो चलिए बारी आ गई प्लेटिंग की। सबसे पहले रखिए अपने ये बहुत ही मज़ेदार चटनी, साथ ही रखा टमाटो केचप। आप इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सालसा के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये रखा बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। और अब फ्रेंड्स आप ये देखिए एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप इसे टिफिन में भी रखते हैं ना तो भी बढ़िया रहता है। और स्पेशल बात है आप इसे ठंडा खाएं गर्म खाएं आपकी मर्ज़ी है, और चटनी के साथ तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट करने वाला है।